लोधी राज सामाजिक मंच के द्वारा वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस ग्राम कोहनी में मनाया गया। गुन्नौर विधानसभा अंतर्गत ग्राम कोहनी में लोधी राज सामाजिक मंच के द्वारा 20 मार्च शनिवार को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामजी लोधी, उप प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राम लोधी, संतोष लोधी, मनीष यादव, सोनीलाल प्रजापति, सुंदर लाल लोधी, पूर्व सरपंच नलदाल चौरसिया, समाज सेवी ब्रिजमान पटेल, बाल मुकुंद लोधी, धर्मराज कश्यप, सुदीप कुशवाहा और के पटेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वीरांगना अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्या अर्पण करके किया गया। कार्यक्रम के दौरान रामजी लोधी ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई ने अपनी लहू से वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की ज्योति प्रचंड की थी। नारी शक्ति का गौरव रानी अवंतीबाई के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही सभी वक्ताओं द्वारा रानी अवंतीबाई के जीवन पर प्रकाश डालते उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में नीरज लोधी, रोहित पटेल, राजपान लोधी सहित सभी स्वजाति बंधु एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित थे। उद्घोष समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज का जो कार्यक्रम था क्या कैसे रहा? रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर 164वां बलिदान दिवस मनाया गया। जी जी। और आज के शिक्षा और मृत्यु भोज और कृतियों के बातों पर। अच्छा, आज आपका समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि समाज के बच्चा और बच्चियाँ, भाई बहन एकदम सब लोग पढ़े लिखे और स्वामी ब्रह्मानी और रानी अवंतीबाई के पद चिन्हों पर चले। जी, आपका शुभ नाम? बाल मुकुंद सिंह लोधी। जी।